बातचीत करते हुए नजर आए। मुलाकात उन्होंने की रेलवे स्टेशन पर कुली से। देखिए किस तरह से मुलाकात करते और साथ में कुलियों के साथ बैग उठाते हुए भी राहुल गांधी की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट पर। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो गया और इससे पहले बिल पर जोरदार बहस हुई। सोनिया गांधी ने कहा कि बिल राजीव लाए थे तो स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस बिल का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। रिपोर्ट देखिए। महिला सशक्तिकरण की दिशा में केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। महिलाओं के लिए संसद और विधानसभाओं की 33 फीसदी सीटें आरक्षित करने वाले दशकों से लंबित विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संसद के विशेष सत्र में पेश कर दिया गया। ऐसे में सवाल है कि कानून कब लागू होगा। 15 राज्यों के विधानसभाओं से मंजूरी लेनी होगी। संविधान संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दिलानी होगी। चुनाव आयोग को भी समय चाहिए। निर्वाचन क्षेत्रों को चिन्हित करने के लिए समय चाहिए जहां से सिर्फ महिलाएं चुनाव लड़ सकती है। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, नई संसद के पहले ही दिन बीजेपी सरकार ने महाझूठ से अपनी पारी शुरू की। जनगणना और परिसीमन के बिना महिला आरक्षण बिल लागू ही नहीं हो सकता, जिसमें कई साल लग जाएंगे। तो बीजेपी सरकार को इस आपाधापी में महिलाओं से झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। समाजवादी पार्टी की हमेशा से यह मांग रही है कि पिछड़ा वर्ग महिला तथा अल्पसंख्यक महिला को भी इसमें सम्मिलित किया जाए, इसमें उनको आरक्षण दिया जाए। सर, लोकसभा और विधानसभा में तो यह बिल लागू होगा, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि राज्यसभा और विधान परिषद में भी लागू होगा कि नहीं लागू होगा। 13 साल से बिल अटका हुआ था सर, और लगभग एक दशक पूरा होने जा रहा है भाजपा की सरकार को, और इस एक दशक में जब लगभग पूरा होने जा रहा है तब इस सरकार को महिलाओं की याद आई है। तो आखिर क्यों, जब यह 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं सरकार को, तो महिलाओं की याद आई है अब। ज्यादातर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये 2024 में होने वाले लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों से पहले लागू नहीं किया जा सकता। हालांकि 2024 की दूसरी छमाही में कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के वक्त इसे लागू करने की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। जब महिला आरक्षण विधेयक पारित हो जाएगा तब NDA और INDIE दोनों दावा करेंगे कि उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में इतना बड़ा काम किया। सफलता मिले तो क्रेडिट लेने की होड़ भी मचती है। UPA शासन में दोनों तरफ से बनी थी सहमति। राज्यसभा में आरक्षण विधेयक पारित हुआ था। मनमोहन सरकार में गठबंधन की मजबूरियां दिखी। मनमोहन सरकार वादा पूरा ना कर सकी। मोदी के साथ ऐसी कोई समस्या कभी नहीं रही। उन्होंने राजनीतिक रूप से लाभकारी समय चुना। अकेले 15 राज्यों पर NDA का शासन है। कांग्रेस और उसके सहयोगियों का 7 राज्यों पर शासन, केवल 15 राज्यों के समर्थन की जरूरत है। विधेयक को कानून का रूप देने में कोई समस्या नहीं है। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। आज उसी का नतीजा है कि देश भर के स्थानीय निकायों के जरिए हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता है। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। और ये वक्त हमारा बिल है तो अभी करिए। तो महोदय, ये उस बिल की प्रति है जिनको वो हमारा कहते हैं। उसमें अगर आप दूसरे पृष्ठ पे 2B और 3B पढ़ें
और ये वो है जो कांग्रेस पार्टी कहती है यूपीए की सरकार में राज्यसभा में पारित हुआ और फिर लोकसभा में प्रस्तुत हुआ। अगर आप इस पृष्ठ पर ये दोनों छंद पढ़ें तो यूपीए जिसकी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी हैं, उन्होंने कहा है नो सीट शैल बी रिजर्व फॉर विमेन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स इन द थर्ड जनरल इलेक्शन। इस बीच सवाल बीजेपी पर भी उठ रहे हैं। यूपी की सियासत में महिलाएं सिर्फ सिंबॉलिक दखल रखती हैं। महिलाएं सिर्फ पोस्टर तक ही सीमित हैं। बिल लाने वाली बीजेपी में ही महिलाएं आखिरी पायदान पर हैं। पार्टी में उनके पास ना के बराबर पद है, ना ही कोई बड़ा कद है। यूपी बीजेपी में अब तक 14 प्रदेश अध्यक्ष बने, इनमें से एक भी महिला नहीं रही। यही नहीं, 75 जिला अध्यक्षों में सिर्फ 4 महिला चेहरे हैं। योगी कैबिनेट में 52 मंत्री, इनमें सिर्फ 5 महिलाएं हैं। मोदी मंत्रिमंडल में यूपी के सिर्फ 1 महिला है। संसद और विधानसभा में यूपी से महिलाओं की हिस्सेदारी 15% है। कांग्रेस के टॉप चेहरों में बात करें तो सोनिया गांधी, यूपी में कांग्रेस की एक भी महिला लीडर नहीं। एसपी में भी महिला चेहरे के नाम पर सिर्फ डिंपल यादव। इन आंकड़ों को देखते हुए सवाल ये भी है कि महिला आरक्षण बिल से यूपी को क्या मिलेगा। सबसे ज्यादा फायदा यूपी को ही मिलेगा। लोकसभा की 26 सीटें रिजर्व हो जाएंगी, विधानसभा में 132 सीटें रिजर्व हो जाएंगी। यूपी विधानसभा में 403 सदस्य, महज 48 महिला। प्रदेश में ये संख्या कुल विधायकों की केवल 12% है। विधान परिषद में महिलाओं की भागीदारी सिर्फ 6%। लोकसभा की यूपी में कुल 80 सीट, 11 सांसद महिला, सबसे ज्यादा 8 महिला सांसद बीजेपी के टिकट पर है। आरक्षण विरोधी दलीलों के बावजूद निर्वाचित पदों पर इतनी सारी महिला सांसदों और विधायकों का होना बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। कम से कम संसद और विधानसभाओं में सदस्यों का व्यवहार बदल जाएगा। दोनों जगहों पर पुरुषवादी मानसिकता पर लगाम कसेगी और महिलाएं सशक्त होंगी। ये संभव है कि शुरुआत में सांसद और विधायक अपनी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए परिवार के सदस्यों का इस्तेमाल करेंगे और जब तक घर में पितृ सत्ता का शासन होगा, महिला सांसद विधायक व्यापक प्रभाव वाले महत्वपूर्ण विधेयकों पर अपनी मर्जी से वोट नहीं दे सकेंगे। लेकिन एक दिन ये स्थिति भी बदलेगी जब संसद और विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या में ठीक ठाक इजाफा होगा, जिससे महिलाएं महसूस करेंगी कि उन्हें अब किसी के निर्देश लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा निश्चित रूप से होगा। टीम न्यूज़ स्टेट।